तो हेलो भाइयों, कैसे हो यार? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो क्वेश्चन आंसर के बारे में जितने भी अभी तक हमारे चैनल पे कमेंट्स आई है, उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई आज मैं इस वीडियो में करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप जो है इसे 1.5x की स्पीड पर करके देख लेना है, उससे ज़्यादा देख लेना, क्योंकि वीडियो में मैंने 15 दिन की जितनी भी कमेंट आई है सारी कमेंट्स पिक की है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली कमेंट है वो है, नाम नहीं लूँगा मैं इसमें, सिर्फ कमेंट कमेंट पढ़ूँगा, बाकी स्क्रीनशॉट कमेंट के मैं वीडियो में लगा दूँगा। तो भाई पूछ रहे हैं बाल आते हैं क्या? तो भाई देखो, मैंने रिव्यू वीडियो डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हो, बाल आते हैं। एंड सेकंड कमेंट है हमारी कि भाई जब ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाएगा तो हेयर फॉल तो नहीं होगा ना? तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है कि जब ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाएगा तो हेयर फॉल तो नहीं होगा। तो भाई इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मेरा मुझे 18 महीने के लिए बोला है इन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो 18 महीने जब मुझे हो जाएंगे तो उससे 5 से 6 महीने बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 6 महीने तक जब मैंने ट्राई का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल हुआ या नहीं हुआ। तो नेक्स्ट कमेंट है, मुझे तो तेरे बाल में फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो ये कोई भाई है बोल रहा है मुझे तेरे बालों में फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो भाई देखो, मैं बता दूं, भले ही तुम्हें नहीं दिख रहा है बट मैंने रिव्यू वीडियो भी डाली हुई है। इसके अलावा मेरे जो बाल पहले से ठीक हो चुके हैं, पहले बहुत थिन बाल थे, उलझे उलझे रहते थे और ड्राई बाल रहते थे, बट अभी मेरे बाल बहुत बेस्ट हो चुके हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो, मेरी काफ़ी सारी फ़ोटो हैं जो क्लोज हैं। एंड नेक्स्ट कमेंट है हमारी, सर पे हाथ रख के दिखा रहे हो, लोग बेवकूफ़ नहीं है। भाई किसी बंदे ने बोला है कि जो मैं फ़ोटो डालता हूँ सर पे हाथ रख के दिखाता हूँ ऐसे करके, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो भाई एक बात हो, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो भाई कैसे पता चलेगा आप लोगों की हाँ मेरे बाल आए हैं नहीं आए हैं? बाकी सबके अपनी अपनी चॉइस है, बाकी मैंने इनका जवाब दे दिया। एंड नेक्स्ट है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैसे पता करें? तो भाई देखो, जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2, तो आप कंपेयर कर लेना अपनी स्कैल्प और जो फ़ोटो में दिखाई गई स्कैल्प है उससे। एंड नेक्स्ट है, भाई क्या आपका हेयर फॉल जेनेटिक है? तो भाई देखो, जेनेटिक मेरा हेयर फॉल जेनेटिक है, मतलब मेरे पापा के भी यहाँ से थोड़े थोड़े गए हुए हैं, बट अब मैंने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हाँ हमारे परिवार में थोड़ा सा है ये जो। एंड नेक्स्ट है, ब्रो मिनोक्सीडिल अब आप भी यूज़ कर रहे हो या नहीं, या बंद कर दिया? तो भाई देखो, मिनोक्सीडिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मिनोक्सीडिल यूज़ करते हुए मुझे लगभग फरवरी मार्च अप्रैल मई 14 महीने हो चुके हैं, और अभी लगभग 4 या 5 महीने और यूज़ करना है। नेक्स्ट है, भाई अभी हेयर फॉल कैसा है? तो भाई देखो, मेरे हेयर जो है काफ़ी बड़े हैं, ये देखो इतने बड़े हेयर हैं और कर्ली हेयर हैं, तो थोड़े थोड़े हेयर फॉल हो जाता है मेरा, ज़्यादा नहीं होता, लगभग 10 से 20 बार टूट जाते हैं डेली जब मैं ऑयल वगैरह करता हूँ, तो बाकी ज़्यादा कोई हेयर फॉल है नहीं, कंट्रोल है। एंड नेक्स्ट है, बाल्ड एरिया पे हेयर आते हैं क्या? तो भाई देखो, भाई ने लिखा है कि जो गंजापन होता है हमारा उस पर बाल आते हैं नहीं, तो इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त को, मेरे दोस्त का पूरा यहाँ से पूरा चांद बन गया था भाई, तो मैंने उस दोस्त को सजेस्ट किया है और वो ले भी रहा है, 5 महीने हो चुके हैं। तो मैं अपने दोस्त की वीडियो डालूंगा, थंबनेल में लगा दूंगा मैं उसका बिफोर एंड आफ्टर का फोटो, भाई वो वीडियो ज़रूर देखना फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है? चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हमारा, मेरा स्टेज 4 है, कितना पैसा लगेगा? भाई स्टेज 4, देखो मेरा स्टेज 2 था, 18 महीने लगे, स्टेज 4 लगा के चलो 2-2.5 साल। अब इसमें इसलिए लगता है इतना टाइम क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, ठीक है? कोई तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ बाल तेल शैम्पू लगाने हैं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सुई नहीं, कोई प्लाज्मा थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल अपना कुछ मेडिसिन लेनी होती है जिससे हमारा पेट साफ़ होता है, और कुछ विटामिन टाइप की होती है, डाइट क्लीन करनी होती है, और ऑयल मिनोक्सीडिल और ये शैम्पू वगैरह यूज़ करने होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। बट स्टेज 4 के लिए मैं क्या बताऊँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, लगभग स्टेज 4 में तुम्हारे 40-50 हज़ार रुपये उड़ जाएंगे भाई 2-2.5 साल में। नेक्स्ट है, पहले आप बताओ ना कि आपके बाल की कंडीशन क्या है, ये किसी ने पूछा था, किसी वीडियो का कमेंट है। तो भाई देखो, मेरे बालों की कंडीशन मैं बार बार अपडेट करता रहता हूँ, एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है, तो आप उसे चेक कर लेना। नेक्स्ट है, आप सिर्फ हेयर लाइन और मिनोक्सीडिल लगाते हो? तो भाई देखो, ये मिनोक्सीडिल सिर्फ मैं हेयर लाइन पे लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, और ज़्यादा पीछे तक नहीं लगाता हूँ मैं, जहाँ जहाँ बाल नहीं वहाँ वहाँ लगाता हूँ, और ऐसे लगाता रहूँ, रिजल्ट अच्छे हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि मिनोक्सीडिल कैसे यूज़ करें, तो उसमें एक भाई ने पूछा था
कि आपने मसाज, भाई मैंने मसाज नहीं बोला था यार, मैंने बोला था मसाज मीन्स मतलब ऐसे करके हल्के हाथ से मसाज, ये क्या बोलो फिर उसको, ऐसे हल्के हाथ से मसाज करने के लिए बोला था मैंने। और ट्रायल का कॉल आया था कल परसों, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि मसाज करनी है, तो उन्होंने भी यही बोला था हल्के हाथ से मसाज यार, ना कि ऐसे रगड़ रगड़ के, बहुत हल्के हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भाई मेरा पेमेंट फेल हो रहा है बार बार, मैं किस्त ऑर्डर नहीं कर पा रहा, 2 बार हो चुका है, कोई तरीका है? भाई देखो, मैं जब भी किट मंगाता हूँ तो मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी किट मंगाता हूँ। आप जब जाते हो वहाँ पे तो नीचे लिखा हुआ आता है सीओडी का ऑप्शन, तो आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके जो है किट ऑर्डर कर सकते हो। अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा, भाई कह रहा है कि भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर ट्राई यूज करें तो क्या सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होती है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेनिस में ढीलापन आ जाता है, बताओ? तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ट्राया यूज़ करो, ट्राया क्या मतलब बेस्ट है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो भाई, टोटल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी, बेझिझक यूज़ करो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि वेट गेन हो रहा है यार, फैट बहुत बढ़ गया है। तो भाई देखो, वेट गेन हो रहा है ना, तो वेट गेन के लिए को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्लीन डाइट लो, एक नंबर डाइट लो, बेस्ट खाना पीना खाओ, ये जंक फूड वगैरह छोड़ो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, मेरी जो है इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे देखो, मतलब काफ़ी मैंने मतलब अपनी जिम की वीडियो वगैरह डाली हुई है, तो वो भी देख सकते हो आप। हालांकि अभी कम हो गया, मैंने जिम छोड़ दिया है, तो हाँ जिम वगैरह जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट क्लीन करो, वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भैया प्लीज़ मिनी कैसे अप्लाई करें, इस वीडियो पर बना दो इसके ऊपर। भाई देखो, मैंने इसी कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाई थी कि अमीनो ऑक्सीडल कैसे यूज़ करते हो, तो आप वो देख लेना। और उसमें एक सवाल ये आया था कि मसाज करने के लिए अमीनो ऑक्सीडल वालों ने मना किया, तो भाई मसाज मैंने बोला था कि इस तरह से हल्के हाथ से मसाज करना है, ना कि ऐसे रगड़ रगड़ के। और मैंने इससे रिलेटेड ट्राई वालों से पूछा था, उन्होंने भी ये बोला था कि हल्के हाथ से मसाज करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, भाई हेयर ड्राई होता है क्या करें? देखो, ड्राई हेयर, मेरे भी पहले बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर थे। ठीक है, ड्राई हेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्राई हेयर के लिए आप स्ट्रेक्स का एक ब्लू वाला सीरम आता है, वो यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरी देखो या किसी की भी देखो, जिसका मन हो तो आप यूट्यूब पर सीधा डालना स्ट्रेक्स हेयर सीरम, तो नीला वाला आता है, वो यूज़ कर सकते हो, उसका रिव्यू वगैरह देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भाई आपके जैसी रिड्यूसिंग हेयर लाइन है तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे जैसी लाइन है जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था तो यूज़ करो यार, 6 से 7 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है भाई, आपको जेनेटिक हेयर लॉस है क्या? हाँ भाई, मेरा जेनेटिक है, मेरे पापा के भी यहाँ से जा गए, अलगेल के उड़े हुए हैं, और मेरे भाई के भी जा रहे हैं, तो ये जेनेटिक है, बट हाँ आ रहे हैं धीरे धीरे वापस। मैंने ये, नेक्स्ट है हमारा, दादा फर्स्ट किट कितने महीने चलती है? तो देखो भाई, पहली किट हमारी 1 ही महीने चलती है, बट हाँ उसमें जो ऑयल और शैम्पू होता है वो 2 महीने चलता है। ठीक है भाई, मेरा स्टेज 3 है, तो मैं ट्राई यूज़ करूँ या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाऊँ? भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेज 3 या 4 मैटर नहीं करता, अगर आप चाहो तो ले सकते हो ट्रीटमेंट, और अगर नहीं लेना तो आपके ऊपर है, बट हाँ रिजल्ट आपके सामने है, मेरी वीडियो देखो, अदर कोई भी वीडियो देखो ट्राई की, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है भाई, नाक में डालने का जो नेजल ड्रॉप होता है वो गले में जाता है तो वोमिटिंग होती है, तो हाँ भाई देखो, जो नेजल ड्रॉप होता है जब हम उसे नाक में डालते हैं तो थोड़ा मतलब यहाँ आता है, तो वोमिटिंग जैसा होता है, तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट हाँ मेरे चैनल पे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं कि जो नेजल ड्रॉप ट्राई वाले देते हैं उसके रिजल्ट औसम है, तो भाई यूज़ करो, इन्जॉय करो, अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो। मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, मुझे मुझसे हुआ ही नहीं भाई वो। नेक्स्ट है हमारा, हेयर रीग्रोथ जर्नी एंड रिजल्ट प्लीज़ भाई। तो हाँ देखो भाई, हेयर रीग्रोथ जर्नी डालूंगा मैं, जल्दी डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक ट्राया का बिफोर एंड आफ्टर वीडियो प्लीज़, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने काफ़ी सारे क्लिप और वीडियो लेके रखी हुई है, तो वो सारी इकट्ठी करके मर्ज करनी पड़ेंगी ना, उसके बाद डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा, गर्मी में गुनगुना पानी कैसे पिए? देखो, गुनगुना नहीं पीना यार, मतलब एक नॉर्मल पानी नल से चलाओ, ताज़ा पानी पियो, इंजॉय करो, मैं तो ऐसे पीता हूँ। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है, तो ये हमारा पूरा मतलब कमेंटिंग का जितने भी कमेंट आए थे उसके आंसर थे, और आपका कोई अगर कमेंट छूटा है तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। और मैं बताना चाह रहा था आपसे कि मेरे चैनल पे मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि हमें जो है आगे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, तो ज़्यादातर जो वो आए थे हमारे बोट, वो आए थे फिटनेस एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो देखो, मैं पहले जिम जाता था, मेरी अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है ना जिम की, तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाना,
वहाँ पे जो है मैंने ट्रांसफॉर्म करके और जिम करके हाईलाइट्स में अपनी सारी इमेज लगा रखी है, तो वहाँ देख लेना। हालांकि अभी कोई बॉडी बॉडी नहीं बची है क्योंकि मैंने जिम छोड़ दिया, 4-5 महीने हो गए और अभी सिर्फ मैं रोटी रोटी पर जिंदा हूँ भाई, थोड़ी डाइट का इशू चल रहा है। ठीक है, तो हम फिटनेस की फिर से बॉडी बनाएंगे, फिर से वीडियो डालेंगे, और इसके अलावा ब्लॉगिंग जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा घूमने तो मैं डालता रहूँगा उसकी वीडियो। ठीक है, और अगर आपका कोई अदर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।